Guys, welcome back to my channel. Repeat my 365. It's me Sonia and Priya. So guys, आज हम जा रहे हैं मार्केट स्पेशली फॉर ज्वेलरीज, क्योंकि मुझे मीशो का हॉल बनाना है. जब तक ये वीडियो आई होगी तब तक मेरा वो हॉल चला गया होगा. एंड क्योंकि वो मुझे सूट के ऊपर ज्वेलरीज पहननी है हैवी, बट मेरे पास है नहीं. मेरे पास थोड़े थोड़े हैं बट इतने भी नहीं है. तो हम स्पेशली जा रहे हैं ज्वेलरीज के लिए गाइज, मेट्रो से जा रहे हैं. एंड ये जो मैंने कुर्ता पहना है ये मीशो का है. प्रॉपर ही प्रॉपर ब्लॉगर हो गई हॉल वाली. लेट्स गेट स्टार्टेड. मेट्रो का सफर गाइज. वेस्टर्न दीदी गाइज, हम लोग आ गए हैं. सांस फूल रही है जैसे अभी सीढ़ी से ऊपर आया. देखो पहन के वेस्टर्न आई है इसको. अभी सूट अच्छे लग रहे हैं आज. लेट्स गो विद प्रीटी. गाइज अभी हम जा रहे हैं इयर रिंग देखने के लिए. मैं जान पूछ के पहन के आई हूँ कि उनको मेरा टेस्ट समझ में आ रहा है. भैया ये पीस कितने का है आपका? कितने का है? 450 का है. मेरा नाम ये एक और ले लिया गाइस. कितने में लिया है और हमने पहन भी लिया. अब हम जा रहे हैं वहाँ पे क्या कहते हैं. अरे यार क्या नाम है नेम का गाइस इसके आगे. हाँ मैं भूल गया उसका क्या नाम था उसका. लेन. अरे क्या लेन. ये ओरिजिनल है दीदी. अभी नहीं 40 मिनट नहीं 15 बहुत महंगा सामान था. बड़ा महंगा दे दिए. ये कितने का है दीदी? 1200 का. भैया ये कितने का है बैग? ये 3500 का. कोई सस्ता वाला होगा हमारे लिए? ये वाला देखो 2500 का. ये कितने का है? रेट भैया ज्यादा है. कितने लेने मैडम आप? लेना तो एक ही पीस है मुझे. चलो थोड़ा लगा देंगे कम. हमने बहुत बड़ा काम किया. सेविंग्स की ऐसी कितनी ऐसी है. क्या बोलो आपका शाइन आ रहा है. शाइन आ रहा है दीदी. दो में देख लेते हैं. ये दो का प्राइस अलग हो गया. एक आपने कितने बताया था? 350 बेटा. एक दोनों का बता दो कितने दोगे. 7 बनता है 6 दे देना बेटा बस. हमने ले लिया है. हमारा बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई यार. अब मुझे ना मैं सच बता रही हूँ, मैं ऐसे नाम नहीं लेती हूँ बट
मैं जब ज्वेलरी खरीदी थी ना, मुझे बहुत गर्ल मेरे सामने आ रही थी बार बार। सो गाइज, गाइज हमने शॉपिंग कर ली है अपनी, हम अब घर जा रहे हैं, तो आपको बैठ के बताऊंगी हमने क्या क्या खरीदा। हाई गाइज, सो वी केम बैक होम, सो आई एम क्विकली गोना शो यू व्हाट आई बॉट दिस टाइम। आई थिंक दैट मुझे कुछ खरीदना चाहिए बेसिकली, बिकॉज जब मैं 2 साल पहले वहाँ गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें वहाँ पे शो हुई, बट वी बॉट समथिंग गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू। कुछ खरीदा है बिकॉज लास्ट टाइम आई वॉज लाइक आई एम नॉट गोना बाय एनी रिंग। सो फर्स्ट थिंग आई एम गोना शो यू सम सिल्वर ज्वेलरी। ये एक सिल्वर सेट है जिसमें घुंघरू लगे हुए हैं जो कि बहुत अच्छी आवाज कर रहा है, एंड इट्स सो ब्यूटिफुल गाइज। एंड बेसिकली ये उन्होंने मुझे दिया है, एंड ये ऐसे करके खुलता है, एंड आप यू कैन वेयर इट लाइक दिस, सो ब्यूटिफुल। बेसिकली इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड दे टोल्ड मी कि इसका कलर फेड नहीं होगा, एंड ये थोड़ा सा डार्क हो सकता है बट ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। ऐसा ही मैंने एक ये ख़रीदा है, ये आपको सेम ही लग रहा होगा, छोटा है एंड ये थोड़ा बड़ा है। इसको आप थोड़े अगर आपको ज़्यादा नहीं पहनना है, हल्का पहनना है, तो यू कैन वेयर दिस हल्का फुल्का सूट के ऊपर, एंड अगर आपको थोड़ा भारी करके पहनना है हाथ में। अब इसका थोड़ा साइज़ आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं 400 का ईच दे देते हैं, ये भी 400 का ईच है, एंड ये भी तो उन्होंने मुझे 500 में 2 दे दिए। खरीदी है ये बहुत ही सुंदर सा, एंड ये थोड़ा सा ना खुलता है ऐसे करके, लाइक आप हल्के फुल्के से कॉटन के सूट पहनेंगे अब समर्स में, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा उस पर हल्का फुल्का। ये लाइट वेट है बहुत ज़्यादा, ये दिखने में थोड़ा हैवी लग रहा होगा, एंड ये उन्होंने मुझे दिया है 250 रुपीज़ का। एंड गाइज, फोर्थ थिंग जो मैंने खरीदी है बहुत ज़्यादा सुंदर है, वो मैंने खरीदी है ये रिंग में ना, इसमें डिज़ाइन बने हुए, इसमें 4 मोर हैं, एंड आप ये ना मिडिल फिंगर में अगर आप पहनोगे 3 फिंगर को कवर कर देता है। ये उन्होंने मुझे दी है 250 रुपीज़ में, ये उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छी क्वालिटी की है और ये रंग फेड नहीं करेगी आपका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, बहुत ज़्यादा पैसे लगा के मैंने, बहुत ज़्यादा सोच समझ के मार्केट में ना मुझे ऐसे स्वेटिंग से लग गई थी कि मैं खरीदूँ ना खरीदूँ, बट स्टिल फाइनली मुझे लगा उस टाइम पे कि चलो खरीद लेते हैं, कोई बात नहीं, और मुझे नीड भी थी इसकी बेसिकली। ब्यूटीफुल गुजराती बैग विच इज़ दिस वन यू गाइस, धीरे इसको फ्रेम में आती है ना, सब एटमोसफेयर चेंज ही हो गया है। ये बहुत सुंदर मुझे बैग लगा है, लाइक कैन यू सी दिस गाइस, बहुत सुंदर है। इसमें कॉइन्स हैं लगे हुए, उस पर घुंघरू हैं, लाइक जनरली जगह आप उसको पकड़ के ऐसे चलते हो ना, उस पर बचते हैं, लाइक बहुत सुंदर है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड इसके पीछे आप देखोगे तो यहाँ पर एक आपको जिप दी हुई है, ये भी अच्छी क्वालिटी की है, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्पेस है जो भी है, बट आई वॉन्ट मैं वहाँ पे ऐसे ढूंढ रही थी कि थोड़ा सा ना ऐसा मुझे मिले जो कि मुझे ऐसे खरीदना था, बट स्टिल ये भी अच्छा है, होल्ड लाइक दिस, बट स्टिल आप अगर इसके अंदर देखोगे ट्रिप जो आप उसको कैरी कर सकते हो। अब प्राइस की बात करते हैं, लाइक उन्होंने मुझे बोला था 2500 में वो मुझे देंगे, मतलब कर आके उन्होंने मुझे ये 1800 में दिया है। इजिली बैग वगैरह में इतना इंटू हूँ नहीं, और बहुत टाइम से मुझे चाहिए था, एंड लास्ट टाइम जब मैं गई तो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा था, और मेरी आईज इस सारे बैग्स में थी, बहुत सारी वैरायटी के थे, कलर में इतना ज़्यादा कंफ्यूज में हो गई थी कि मैं कौन सा कलर लूँ, कौन सा शेड लूँ, मैसिव कलर कॉम्बिनेशन है उनके पास। एक एक बैग आपका मन करेगा कि आप वो उठा लो, बार्गेन वहाँ पे ज़्यादा नहीं होती है, वो जाने देते हैं, वो सरोजनी की तरह नहीं है कि आपने 700 बोला है ना, आपने 200 बोल दिया एंड उन्होंने आपको बुला लिया, बट ऐसा नहीं है वहाँ पे, अकॉर्डिंग टू शॉप कीपर है वो अगर आपको देना चाहता है उस प्राइस में तो आपको वो दे सकता है, बट स्टिल ज़्यादा बार्गिन वहाँ पे नहीं होती है। दैट्स वाई मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता है उस मार्केट में शॉप करना, बिकॉज बार्गेनिंग अगर आप करोगे तो वो थोड़ा सा ना रुड़ जाता है, क्या है। गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडेज व्लॉग, आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, हिट द लाइक बटन। गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट फूड व्लॉग, व्लॉग आने वाला है वो कोरियन फूड व्लॉग होगा। सो या गाइस, टिल देन डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू योर ओन यूट्यूब चैनल विच इज रिपीट मैथ्स 365। बाय।